आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, देखे और सीखे द नीडिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए देखिए इस तरह से पत्ते लेके आई हूँ। आपने रिक्वेस्ट किया था कि आप फूल बनाना बताती हैं, पत्ते नहीं बताती हैं, तो मैं ये पत्ते बता रही हूँ। आप किसी में भी इसमें लगा सकती हैं, कोई भी फूल में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए आप थोड़े से मोटी ऊन लें, यानी ये 4 प्लाई हैं, और क्रोशिया नंबर 12 या तो आप 11 से भी बना सकती हैं। और अगर इस पत्ते को अगर और टाइट बुनना है आपको, तब क्रोशिया नंबर 9 लें, उससे भी बहुत अच्छा बुनाई होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम गांठ लगा लेंगे यहाँ पे, यहाँ से 15 चेन लेंगे हम, 15 चेन लेना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, यानी 15 चेन हमने बना दिया यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहला चेन में इसमें डालेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके अगले वाले चेन में डालेंगे, यहाँ भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। क्रोस पे धागा लेंगे, अगले चेन में डालेंगे, नेक्स्ट चेन में, और यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 फंदे, 1 2 3, तीनों फंदों को एक साथ निकालेंगे। क्रोस पे धागा लेंगे और यहाँ भी एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। क्रोस पे धागा लेंगे और अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। पहले 2 फंदे निकाला, फिर 2 फंदे निकालेंगे। इसके अगले चेन में डालेंगे और यहाँ भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी चेन में एक बार और हम डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बगल में एक बनाएंगे, यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया और एक इधर, यानी 4 टोटल डबल क्रोशिया आना चाहिए। उसके बाद देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 3 बार धागा लेंगे इस तरह से, 2 बार, और इस फंदे को 3 बार निकालना है हमें। एक बार निकाला, 2 बार, ये 3 बार, फिर 2 बार धागा लपेटेंगे और फिर इसके अगले वाले चेन में हम डालेंगे इस तरह से। क्रोस पे धागा लेंगे और अगले चेन में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सॉरी डबल क्रोशिया बनाना है। इसके अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी चेन में एक बार और डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके अगले चेन में डालेंगे और हाफ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके अगले चेन में डालेंगे और यहाँ भी हम हाफ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन ले लेंगे और इधर पलट जाएंगे, इस चेन में डालेंगे यहाँ पे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, एक उसके बगल में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए डबल क्रोशिया बनाना है हमें। सेम इसी चेन में एक बार और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसके बगल में डालेंगे। यहाँ एक टेबल क्रोशिया बनाएंगे, क्रोश पे दोबारा धागा लेंगे और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो बार निकाला, एक तीन बार निकाला। सेम इसके अगले चेन में डालेंगे और यहाँ भी हम सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक दो अब अगले चेन में डालेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगली चेन में डालेंगे, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी चेन में डालेंगे और एक बार डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इसके अगली चेन में डालेंगे और यहाँ हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, इसके अगले चेन में डालेंगे और तीन फंदों को एक साथ निकालेंगे। फिर क्रोश पे धागा लेंगे और इसके अगले में डालेंगे, तीन फंदों को एक साथ निकालेंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, इसके अगले चेन में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन लेंगे और यहाँ हम इसे जोड़ना है हमें इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हमें हर चेन से हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना, देखिए इस तरह से। यहाँ हम एक चेन लेंगे पहले, एक चेन लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से जोड़ना शुरू करेंगे सिंगल क्रोशिया। अब हर चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह करते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से हमारे पत्ते रेडी हो गए। और पतला सा कोई भी वायर लेके आप इसके पीछे साइड में लगा सकती है गोंद से, यहाँ पे इसके बीचे बीच लगा सकते हैं वायर, यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद इस पत्ते को जिस तरह से आप मूव करना चाहें इस तरह से तो ये बहुत ही अच्छा बन के आता है। और वायर को थोड़ा लंबा लगाएं, जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से लगाएंगे वायर को और कोई गोंद से हम इसे चिपका देंगे। और इसका लेंथ थोड़ा लंबा रखेंगे, इसे लंबा रखना है हमें। और उसके बाद ये इसी ऊन से हम इस तरह से इसे लपेट देंगे, इस तरह से करके हमें लपेटना है ताकि वो एकदम अच्छा सा दिखने लगे। एक जरा इस तरह से घना घना करके हमें इसे मोड़ना है इस तरह से। इस तरह से लगा दें तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा ये। आप इसे छोटा भी बना सकती हैं, आप जिस हिसाब से फूल बना रही हैं या कुछ भी उस हिसाब से आप इसे लगा सकती हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए ये दो पत्ते बन के रेडी हो गए। मैंने एक और बनाया हुआ था, कुछ इस तरह से भी एक पत्ते बनते हैं, तो आप इसे भी लगा सकती हैं। देखिए ये भी मैंने आपको बताया हुआ था अपने चैनल पर, आप चाहें तो इसकी वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। आप इस तरह से एक वायर ले लें, मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये पतली सी वायर है, इसे आप लगाएंगी तो बहुत अच्छा होगी। बहुत ही पतला होता है ये, तो अच्छा होता है मूव करने में इस तरह से। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब